ये हमारा लेसन टू है हिंदी, भावों की गोष्ठी। यानी भाव वो होते हैं जैसे प्रेम है, प्रेम माने एक दूसरे के सहयोग होता है, एक दूसरे के अच्छे अच्छाई को अपनाया जाता है। ये क्या हो रहा है, ये क्रोध हो रहा है एक दूसरे पे, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं और उस पर क्रोध कर रहे हैं। और ये कौन सा भाव है, ये गुस्से का भाव है, यानी इसको बहुत क्रोध आ रहा है। और ये बहुत ही ये प्रेम का भाव है, यानी ये किसी का भी जो करुणा है कुछ भी है वो एक शांतपूर्ण स्वभाव है ये, यानी शांति से जैसे हम प्रार्थना करते हैं एकदम शांत मन से करते हैं, यानी शांति का भाव है ये। तो इसमें यही हैगा कि निंदा के बारे में बताया गया है कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और निंदा अपने बारे में बता रहा है कि जो जिसके अंदर कमी होती है या बुराई होती है, कामचोर होते हैं, उनके अंदर ये निंदा का भाव आता है। करुणा, करुणा होता है कि करुणा कहती है कि तुम किसी की निंदा क्यों करते हो, मुझे तो बहुत ही दुख लगता है। अब इसमें ये निंदा करुणा एक दूसरे को यही बोल रहे हैं। और फिर ईर्ष्या आ जाती है, ईर्ष्या माने एक दूसरे की जलन, जलन होती है एक दूसरे को देख के, कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं तो उसके बारे उससे जलन होने लगती है, तो ये ईर्ष्या के बारे में है। क्षमा, क्षमा तो आप जानते ही हैं कि एक दूसरे को माफ़ करना। अहंकार, अहंकार कहता है कि अगर मैं किसी को पकड़ लेता हूँ तो मैं उसे छोड़ नहीं पाता, वो हमेशा अपने आप को ऊँचा समझता है, महान समझता और सबसे अपने आप को सबसे अलग समझता है, अहंकार कहता है। क्रोध कहता है कि मैं भी तुम्हारा ही मित्र हूँ, अगर मेरे खून में उबाल आ जाता, मुझे बहुत तेज गुस्सा आने लगती है, तो मैं दूसरों के ऊपर अपनी जो क्रोध होता है वो मैं बरसा देता हूँ। अब प्रेम क्या कहता है, प्रेम कहता है कि मैं तुम सबका मित्र हूँ, जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे सुख का अनुभव होता है, भले ही पैसा कम हो लेकिन मैं सबके पास रहता हूँ। तो लोग मेरे, अगर प्रेम होता है तो जहाँ पे अच्छे होता है वहाँ पे भी सुख का अनुभव होता है। अब इसमें बोला है बच्चों आप अपने मन में टटोले कि आपके अंदर कौन सा भाव है, तो आप बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा भाव है। ऐसे ही ये उसके मैंने टिक लगा दिए हैं, तो आप ये टिक देख सकते हैं। मैंने कुछ ये लिख दिया है किसने किससे कहा, उसको भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, तो ये भी आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ये प्रश्न उत्तर लिख दिए हैं मैंने, तो आप ये प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है, आराम से साफ साफ राइटिंग से अच्छे से कर सकते हैं। और आप ये लेसन भी है जो प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, निंदा है, करुणा है, उसके बाद क्या है, ये आपकी यहाँ पे ईर्ष्या आ गई, फिर क्षमा आ गया, अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, और ये प्रेम आ गया। तो कितने भाव हैं वो आप भाव लिख सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लेसन है भावों की गोष्ठी, यानी भाव बहुत प्रकार के होते हैं, गुस्से वाला, प्यार का, प्रेम का, करुणा का, निंदा का, ईर्ष्या का, अहंकार का, ये सारे भाव होते हैं। तो इस लेसन में हमारे भावों के बारे में ही बताया गया है, तो आप ये लेसन अपना हेडिंग डाल लेना, पाठ का नाम, हेडिंग, और ये प्रश्न उत्तर ये इस तरीके से टिक लगा दिए हैं, ये देख लेना सब। और ये प्रश्न उत्तर ये अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में आप कर लेना। ओके, थैंक यू।